जैसे कई लोगों को लगता है कि मैं रोड पे लगा रही हूँ, लेकिन जब लोग आते हैं देखते हैं तो सोचते हैं कि हाँ। पहले शुरुआत में मुझे भी लगता था कि शायद मैं रोड पे क्या करने लगी हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, अपना काम है ना मेरा। कभी कोई परेशान करता था, कभी कोई परेशान करता था, यहाँ पर कोई भी मार्केट में रोटी नहीं बनाता था। नहीं, ऐसा कोई जादू नहीं है, लेकिन बस मेन है कि टेस्ट के ऊपर है कि टेस्ट लगना चाहिए। अगर आपको टेस्ट लगेगा, आप क्वालिटी अच्छी देते हो, साफ सुथरा खाना देते हो, तो लोग आएंगे आपके पास। क्या नाम है आपकी दुकान का? मेरी दुकान का नाम है स्वाद घर का। जो यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है वो हमेशा ऐसी रहती है? हाँ, डेली रहती है। ये है राजमा, बिल्कुल घुटे हुए राजमा, घर के राजमा है। रेट क्या रहता है इन सबका? रेट जैसे कढ़ी चावल का हाफ का 40 है, फुल 60 रुपए का है, थाली 70 रुपए और 80 रुपए की है। ये राइस है और ये है मिक्स वेज है। ये दाल भी, एक डब्बा मेरा खत्म हो चुका है, दूसरा डब्बा ये भी खत्म हो चुका है। ये मेरा मटर पनीर है, मिक्स वेज भी खत्म हो चुकी है। ये खाना देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी ने घर पे बनाया। तो यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो सारे यही बोलते हैं, माँ के हाथ का खाना लगता है। और इसका नाम किसने सोचा है, स्वाद घर का? ये मैंने खुद ही करा है। मैंने कहा सब लोग नाम रखते हैं, कंपनी से रखते हैं, उससे रखते हैं, तो मैंने कहा जब मैं स्वाद घर जैसा दे रही हूँ तो उसी से रखती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सब लोग रोटी बना के लाते थे। मेरा जो जब सेटअप लगा, मैंने यहाँ स्टार्ट किया, तो उसके बाद से लोगों ने यहाँ पर रोटी बनानी स्टार्ट कर दी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भाई रोटियाँ बन रही है गर्मा गर्म। तो ये तो बहुत ही अलग तरह का सेटअप है जो मैंने आज पहली बार देखा है कि चलती फिरती वैन के अंदर गर्मा गर्म तवा रोटियाँ बन रही है। और आप आते कितने बजे हो? 12:30 बजे। कटिंग चॉपिंग मेरी मदर इन लॉ करती है, मेरे हस्बैंड करते हैं। स्ट्रीट फूड का काम है, कहीं ना कहीं जब शुरू करते हैं ना तब थोड़ी सी मुझे लगता है कि शर्म आती है सबको। फर्स्ट डे मुझे लगा था कि ये काम मैं कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे अपने काम पर खुद को प्राउड है। दो तरह की थाली है, एक है नॉर्मल थाली 70 रुपए की, एक है 80 रुपए की, जिसमें एक पनीर की सब्जी रहेगी, एक कोई भी सब्जी ले सकते हो। एक्चुअल आफ्टर कोरोना हमने स्टार्ट किया था ये सब। कोरोना से पहले तो मेरे हस्बैंड की वैन स्कूल में ही लगी हुई थी, आपको पता है स्कूल तो बंद थे। मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि खाना बहुत अच्छा बनाते हो, तो वैसे एक दिन सोचा कि बैठे बैठे चलो स्टार्ट कर लेते हैं। राजमा चावल और छोले चावल से स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे हमने चपाती बनाना भी स्टार्ट किया, लोगों को टेस्ट आने लग गया। तो यहाँ पे प्रॉपर तवा रोटी मिलती है घर वाली? घर वाली 20 से 25 फुलके बना के लाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह कस्टमर एकदम आते हैं, हम 12:30 आते हैं तो कस्टमर खड़े होते हैं यहाँ पर। हाँ। और उसके बाद फिर ये हमारा यहाँ पर शुरू हो जाता है सेटअप। तो जो आपका नाम है ना स्वाद घर का, वो बिल्कुल जस्टिफाई हो रहा है। ये लग गई हमारी कड़ी, सैलेड में मिलता है प्याज और खीरा। तो ये हरी चटनी रोज बनाई जाती है? सब हरी चटनी, ये सब कुछ डेली बनता है। आपके घर की थाली रेडी है, आप ले लीजिए प्लीज। यार फूड ब्लॉगिंग कर करके मैंने बहुत कुछ स्ट्रीट फूड खा लिया, स्पाइसी खा लिया, लेकिन मेरा मन था बहुत जोरों से भूख लगी और घर जैसा माँ के हाथ का खाना चाहिए था। तो मैं आ गई हूँ स्वाद घर का, जो की मुखर्जी नगर में, बिल्कुल बेमिसाल खाना मिलता है। मूविंग वैन में यहाँ पे खाना मिलता है और सबसे अच्छी चीज पता है क्या, यहाँ पे आपको तवा रोटी मिल जाएगी एकदम गर्मा गर्म, फ्रेश एकदम यहाँ पे बनाई जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो दो तवा रोटी यहाँ पे मुझे मिली है। ये मिला है सैलेड जिसमें है कि प्याज और खीरा और ऊपर से हरी चटनी है जो कि बिल्कुल घर की है। और ये है हमारा करी पकौड़ा और ये है हमारा कढ़ाई पनीर जो कि बहुत ज्यादा बेमिसाल दिख रहा है दिखने में। और ये हमारा रायता। सो सारी की सारी चीजें माइंड ब्लोइंग है, लेकिन इसकी टेस्टिंग बाकी है, इसको टेस्ट करके बता दें इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगी यहाँ कढ़ाई पनीर को। मैं नहीं बोल सकती कि ये मार्केट का है, क्योंकि बिल्कुल घर जैसा टेस्ट था, बिल्कुल जेन्युइन टेस्ट है। और सीरियसली जैसा मैं घर पे कुक करती हूँ या फिर जैसा मेरे घर पे मेरी मम्मी बनाती है ना, सेम वैसा ही टेस्ट आया। मुझे बहुत ज्यादा मजेदार लगा, मेरे मुंह में पानी आ रहा कड़ी को देख के, क्योंकि वो पकौड़े वाली कड़ी है। जल्दी से टेस्ट करके बताते कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। कड़ी का टेस्ट बहुत ज्यादा मजेदार था, मुझे कड़ी ऐसे ही बहुत ज्यादा पसंद है। इसके पकौड़ा बहुत ज्यादा टेस्टी है, राइस के साथ तो यार बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। सो ओवरऑल मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई। एंड में रहता है रायता जो कि मेरा फेवरेट है, जिसका नाम लेते ही मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। सो अगर बात इसके टेस्ट की करें ना, मिंट इसमें डाला हुआ है। हमारा जो एड्रेस है वो है नेहरू विहार रोड, अपोजिट PNB बैंक, मुखर्जी नगर। टाइम सुबह 12:30 से 4 बजे तक। हमारे यहाँ टिफिन सर्विस भी अवेलेबल है, शाम को भी हम टिफिन देते हैं। टोटल थम्स अप है, मैं यहाँ पे इसको एंजॉय करती हूँ, टीम के साथ नहीं आ रहा, टीम को नहीं देने वाली, अकेले इसको एंजॉय करती हूँ। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर कुछ रहना है तो मैं इतना खाते रहिए।